नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज दोपहर में, भरी दोपहर में, जब भयंकर गर्मी है, उस वक्त बात होगी राजीव कुमार के आयोग के भीतर की गर्माहट। क्या राजीव कुमार पर मुकदमा दर्ज होगा? इस पर चर्चा तो शुरुआत से हो रही है, जब से चुनाव शुरू हुआ, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तब से हो रहा। लेकिन आज उससे आगे का सवाल है, क्या राजीव कुमार पर 302 या 304 में मुकदमा दर्ज होगा? यानी राजीव कुमार पर हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज होगा या हत्या के गैर इरादतन हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज होगा? आप सोचेंगे कि हत्या या गैर इरादतन हत्या के मामले में राजीव कुमार का नाम भला कैसे? लेकिन आज कुछ शब्दों पर थोड़ा सा हम लोग कंट्रोल रखेंगे, जिसपे YouTube आपको, आप तक वीडियो को रोके ना पहुंचने से। कोई व्यक्ति अपनी जान दे देता है तो जब पुलिस जांच करती है, जांच में ये देखा जाता है कि उकसाया तो किसी ने नहीं था उसको। अगर उकसाया है किसी ने तो उस पर मुकदमा दर्ज होता है। ऐसे ही 302 या 304 दोनों में अगर विशेष परिस्थिति, मतलब ऐसी परिस्थिति पैदा कर दे कि किसी की जान चली जाए, तो पड़ताल का विषय है कि यह हत्या है सीधे सीधे या गैर इरादतन हत्या है, 302 है या 304। इतने सवाल जो शुरुआत में पैदा हुए हैं और मकड़जाल सा बन गया उलझन, इसको अब सुलझाने के लिए भाव को जोड़ते हैं और इसकी तह में जाते हैं। दरअसल मिर्जापुर में छोटे मोटे, देखिए चुनावी प्रक्रिया जब जब हुए हैं, चुनावी ड्यूटी पर लगे लोगों की आज से नहीं, हम लोगों ने कम से कम 4-5 चुनाव 1996 से तो मैं देख रहा हूं, चुनाव में मतदान कर्मियों में किसी न किसी की जान चली जाती है, नेचुरल डेथ हो जाती है, कभी कभी बीमारी से भी डेथ हो जाती है। लेकिन कभी भी बड़े पैमाने पर सामूहिक रूप से एक क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष में एकाएक अलसियां उठने लगे, ऐसा नहीं होता। ये स्थिति क्यों पैदा हुई? मिर्जापुर में अब तक दर्जन भर का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है, जो भी मेरे सामने आंकड़ा आ रहा है, इसमें 9 होमगार्ड के जवान और 3 जिला प्रशासन के, ये सब के सब, जो एक दर्जन का आंकड़ा है 12 का, ये 12 की संख्या, ये सब के सब चुनावी ड्यूटी में थे। अब चुनावी ड्यूटी में थे, एक जिले में 12 मौतें, क्यों? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? आखिर क्यों सपेरों वाले देश में सबसे लंबा जो आम चुनाव हुआ था, आज विश्व गुरु जिसको बना दिया मोदी जी ने, सुपर पावर की तरफ बता रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं, उस देश में ये नौबत क्यों आई? सवाल हुए थे, सवालों का जवाब घुमा फिरा करके शायर राजीव कुमार ने दिया था, लेकिन आज सीधा सीधा इसका जवाब भाऊ से लेंगे। भाऊ, ये घुमा फिरा करके इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा, ये बता राजीव कुमार, ये बताइए कि ये जाने क्यों गई हैं, क्या जवाब है? देखिए, पहला चुनाव देश का, चुनाव प्रक्रिया पता नहीं, लोगों को चुनाव पता नहीं, बैलेट पेपर से लेकर सारी चीजें नई नवीन तय करनी है, संविधान में जो अलग अलग चुनाव के वो थे उसके हिसाब से सब काम हो रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा तब 4 महीने में चुनाव हुआ, यदि मैं गलत नहीं हूं तो 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 तक चुनाव हुआ। मैं मानता हूं तब इलेक्ट्रोल, मतलब इलेक्ट्रोल रोल तैयार करने से लेके चुनावी प्रक्रिया, लोगों को इन्वॉल्व करना, राजनीतिक दल, ये सारा उसमें टाइम लगा 1952 में। उसके बाद 2024 में सबसे, उसके बाद का सबसे लंबा चुनाव 80 दिनों का अब हुआ, जब अमृतकाल में हम प्रवेश कर चुके हैं, विश्व गुरु हम बन चुके हैं, G20 जैसी सदारत हम करते हैं, हमारे चुनाव आयोग को विश्व के बड़े बड़े देशों में बुलाया जाता है कंसल्टेंसी के लिए, मंगलयान हम छोड़ते हैं, रामलला को हम लाए हैं,
हमारे पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो स्वयं भगवान के अवतार है, अविनाशी। ये सब होते हुए 80 दिन क्यों? क्या ये किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए कर किया जाता है? क्या आपको कोई टेम्पो मेंटेन करना है? और अक्सर मैंने देखा कि जब ज्यादा चुनाव के चरण बढ़ते हैं, 9-9 चरण या 7-7 8-8 चरण होते हैं, तो अक्सर टेलीविजन के चलते और डिजिटल मीडिया के चलते जहां चुनाव प्रचार बंद होता है तो दूसरे जगह रैलीज होती है। और देखा उस प्रदेश में भी जाता है जहां चुनाव बंद है, तो टेक्निकली जो साइलेंट जोन तो कभी रहा ही नहीं, साइलेंट जोन सिर्फ सातवें फेज में रहा। जब सातवां फेज का चुनाव प्रचार बंद हुआ तब साइलेंट जोन रहा, उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने मौन वाला वो जो पूरे नाटक का मंचन किया उसमें भी लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, वो भी साइलेंट जोन उन्हें रहने नहीं दिया। लेकिन जब पहला फेज यूपी के 4 सीटों में या यूपी के 8 सीटों में खत्म हो जाता है तो दूसरा या उनका प्रचार तो दूसरे फेज का प्रचार जो है वो लगातार उसी यूपी में होता है। तो ये टेक्निकली सत्ता पक्ष के फायदे में था क्योंकि इस बार उनको पता था कि हमें बहुत माइक्रो लेवल पे लड़ना होगा, हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं। राम मंदिर चल नहीं रहा है, हिंदू मुसलमान चल नहीं रहा है, देश में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, 10 साल की एंटी इनकंबेंसी है, डबल इंजन की सरकारें हैं कई जगह पे, क्या बोलेंगे हम, किसके सर पे माथा ठिकरा पड़ेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री कार्यालय से तो बनके नहीं आया कार्यक्रम, ऐसा मुझे लगता है, आरोप मतलब ऐसा सोच रहा हूं। और राजीव कुमार ने साइन कर दिया है। राजीव कुमार ने बहुत ही बेहुदा जस्टिफिकेशन दिया। उन्हें पहला जस्टिफिकेशन दिया कि भाई हमें क्षेत्र की स्थिति देखनी होती है, हमें सार्वजनिक अवकाश देखने होते हैं, त्योहार देखने होते हैं, बच्चों की परीक्षा देखनी होती है। आम चुनाव पिछले 3 आम चुनाव 14, 19 और 24 इसी पीरियड में हुआ है, फिर वो क्यों कोई 71 दिन, कोई 73, 2004 का 73 दिनों में, 2014 का 71 दिनों में, 2019 का 73 दिनों में, ये 80 दिनों में? क्या आपको पता नहीं था कि गर्मी पड़ने वाली है? क्या पता नहीं था कि इस बार भयानक लू पड़ने वाली है? ये सारे रिपोर्ट्स पहले थे, लेकिन आपको क्या लिया लेना? और जब आपने ये सारा काम किया तो हुआ ये कि जब भयावह रूप से गर्मी पड़ी तो फिर आपके पास इतना फंड है और आपको पता है गर्मी पड़ेगी तो आपको फिर व्यवस्था करनी चाहिए थी। ये सारी व्यवस्था प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं, चैनलों के डिस्कशन में होते हैं, अखबारों में छपने के लिए होते हैं। यथार्थ के धरातल पे वहां व्यवस्था क्या है आप देखते हो। आपने ग्रामीण क्षेत्र में भी चुनाव कवर किया है, हमने भी चुनाव कवर किया है। जो पार्टी जाती है चुनाव पार्टी, उनको रहने तक की जगह नहीं होती। भाव ट्रकों में, मंदिरों में, ट्रकों में जो पार्टी पोलिंग पार्टी ट्रकों में जाती है, ट्रकों में जाते हैं, कई जगह सर पे लेके जाती है, कई जगह चॉपर से उतारी जाती है। और जिस गांव में होता है वहां रहने की व्यवस्था नहीं होती, स्कूलों में रहना पड़ता है या मंदिरों में रहना पड़ता है। ऐसे विपरीत में क्या आपने ये कभी सोचा था कि इसकी गर्मी में क्या हो गया? ये 12 लोग मरे, ये रिपोर्ट है आज की, कई जगह मरने की रिपोर्ट नहीं आई होगी या आंकड़ा 50 के ऊपर होना चाहिए जो गर्मी में लोग रास्ते पे मर रहे हैं, आप चुनाव ड्यूटी पे लोगों को लगा रहे हैं। ये आपको ये कर लेना चाहिए था, थोड़ा प्रीपॉन कर लेते एक आध महीना, क्या जाता। लेकिन नहीं, आपने इसको इतना लंबा खींचा। 1980 में 4 दिन में कैसा हुआ? 1980 में जो चुनाव हुआ 4 दिन में, और आज 82 दिन की प्रक्रिया हुई। क्यों? जितना डिजिटाइज्ड आप होते हैं, जितना टेक्निकली आप हो गए हैं, लंबे लंबे बैलेट पेपर नहीं जिसको फोल्ड करने में 5-7 मिनट लगे, आपके पास ईवीएम मशीन है, आपके पास कंप्यूटराइज सारी चीजें हैं, पर्चियां बनानी नहीं पड़ती, फटाफट कंप्यूटर से निकलती है, ऑनलाइन लोग सारा काम करते हैं। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया इतनी लंबी क्यों?
जितना डिजिटाइजेशन हो गया है, जितना ज्यादा हम डेवलप कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकली, उतना समय आपको ज्यादा लग रहा है। फिर एक उन्होंने बेहूदा आंसर दिया कि हमें नदियां, पहाड़, बर्फ, जंगल, गर्मियां, इनका ख्याल रखना पड़ता है। तो 1952 में पहाड़ नहीं थे, अभी उगाए नहीं, तब बर्फ नहीं पड़नी थी, अब पड़ने लगी है। गर्मी तब भी नहीं थी, अभी गर्मी आ गई है। जंगल तब नहीं थे, तब ज्यादा जंगल थे, अब जंगल कट गए हैं। तब रोड नहीं थे, अब रोड है। सब संसाधन नहीं थे, अब साधन है। सारा कुछ फेवरेबल होते हुए भी आप इतना लंबा खींचते हो, ये किसी ना किसी राजनीतिक दल को मदद पहुंचाने के लिए है। और आज होमगार्ड मर गए, मतलब होमगार्ड है तो उनकी कोई जीवित जीवन की कोई ये नहीं, उनका परिवार नहीं। एक इंसान मरता है, पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। आशीष, ये जो सरकार 5 लाख 10 लाख रुपए देती है, उससे कुछ नहीं होता। बच्चों के ऊपर पिता का साया निकल जाता है। पत्नी विधवा होती है, उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी होती है। दूसरे दिन 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था होती है। और होमगार्ड जैसे लोग गए, जो अंतिम कड़ी है सुरक्षा की। राजू कुमार को लू नहीं लगेगी, वो एसी चैम्बर से निकलते नहीं बाहर, Z2 कैटेगरी में बैठ के, और एसी में बैठ के शेरशायरी करते हैं। जरा रात को जाके किसी मुशायरे में बैठ के ओपन में जरा वो भी शेरशायरी सुनाए तो देखते हम पसीना पोछते या शेरशायरी सुनाते। दुर्भाग्यपूर्ण है, मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ के चुनाव आयोग ने, खासकर इस चुनाव आयोग ने, चुनाव आयोग की गरिमा तार तार कर दी। एक राजनीतिक दल का प्रकोष्ठ बन के रह गया है। और सीरियसली किसी चीज को लेने के बजाय मजाक उड़ाता है, विपक्ष का मजाक उड़ाता है। मानो ये सत्ताधारी पक्ष हो, ये सत्ताधारी पक्ष के प्रवक्ता हो, ऐसी बात करते हैं। उन्हें जो लगातार धज्जिया उड़ रही थी मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट की, वो दिखाई नहीं दिया। प्रधानमंत्री के इसके ऊपर इतना लोग गए कि ये जो लगातार ये जो चल रहा है, चश्मा पहन पहन के ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करने में भी चश्मा पहनना पड़ता है आंख बंद करने के बाद। ये तो खैर देखिए, राजीव कुमार तो मोदी जी के लिए कानून तलाश रहे हैं लगातार। कोर्ट में कहा कि 17C पे कोई कानून नहीं है। अभी चर्चा शुरू हुई जब से ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी जी का अगर ध्यान और तपस्या लाइव हुई तो चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कोई उसके लिए प्रावधान नहीं है। और जो आपने कहा पेड़, पहाड़, नदी, बर्फ, ये सब दरअसल राजीव कुमार, कंगना रनौत, ये सब एक ही जगह के प्रोडक्ट है, एक ही यूनिवर्सिटी के। ये सब 14 के बाद, पहाड़, बर्फ, नदियां, सृष्टि, संसार, ये सब 14 के बाद हुआ है। लेकिन सवाल सीधा एक, मैं तो कानून का विद्यार्थी नहीं रहा हूं भाऊ, ऐसे मामले में ये सीधा सवाल है कि कोई एक्टिविस्ट, कोई अधिवक्ता क्या इस मामले में इन पर केस नहीं दर्ज करवा सकता है? 302 या 304 का गैर इरादतन हत्या ही सही? मुझे लगता है कि किसी ने प्रयास कर लेना चाहिए। खासकर क्या होता है आशीष, हमारे यहाँ भी कानून बहुत, मतलब न्यायाधीश हमको पूछेंगे, हमने और आपने लगाया तो, कि आपका क्या इंटरेस्ट है। हाँ। वहां जिनके घर में मौत हुई है उसके परिवार ने जाना चाहिए। हाँ, उनके परिवार ने कोर्ट में जाना चाहिए, FIR दर्ज कर लेनी चाहिए। आप मात्र मुआवजा नहीं दे सकते हो। यदि उपहार में आग लगती है, आग इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से लगी, मालिक को अंसल बंधु अपने घर पे बैठे हुए थे, वो थिएटर का मैनेजमेंट कोई टिकट भी रोज काटने थोड़ी आते थे। हाँ। वहां एक मैनेजमेंट थी, वो बिल्डर थे बेचारे, उन्हें एक थिएटर बना के रखा था। लेकिन जब उपहार में जब आग लगी और लोग मर गए, तो क्या अंसल बंधुओं को मुजरिम नहीं बनाया? क्या जेल में नहीं ठुसा गया? तो फिर ये दो कानून क्यों अलग अलग लोगों के लिए?
ये कानून उस पर भी लगना चाहिए। अच्छा, ये किसी बॉम्ब स्फोट में किसी हमला होता है नक्सलियों का, वहां पे वहां मारे गए, हम समझ सकते हैं कि ड्यूटी पे ड्यूटी बजाते हुए गए, ये तो बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं, धूप से मर गए, गर्मी से मर गए, तो उनको गर्मी से बचने के लिए जिसको व्यवस्था करनी थी, यदि वो व्यवस्था नहीं कर पाता तो उसके ऊपर गैर इरादन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप दो तरह से नहीं लगते, कोई उद्योगपति हो तो उसके आप घर तक चले चलोगे, और सरकारी ये जो लोग हैं इनको काई की यूनिटी मिली है, ये खुला सांड बन के किसी को भी सिंग मारते रहे। इस बार भयानक गर्मी पड़ेगी, सबको पता था, और यदि कैलेंडर के हिसाब से पंचांग के हिसाब से चलेगा तो नव तपा होने वाला था, नव तपा आने के पहले आप वाइंड अप करते इसको। जो भीषण गर्मी जब होती है उसी गर्मी के पीरियड में 2 तारीख को नव तपा खत्म हो जाएगा और 1 तारीख तक वोटिंग दिया आपने, तो वो कौन जिम्मेदार उसके? तो ये कुल मिलाकर कहीं ना कहीं न्यायपालिका को भी थोड़ा अपना दायरा बनाना पड़ेगा, थोड़ा आउटस्टेप करना पड़ेगा। मात्र स्वायत्ता संस्थान है, स्वायत्ता संस्थान है जिसकी स्वायत्ता स्वयं सत्ता पक्ष खत्म करता है, वो अपनी निजी जागीर समझ के उसको उपयोग में लाता है, और न्यायपालिका बोलती है स्वायत्त संस्थान है, हम उसको नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई? स्वायत्त संस्थान है तो क्या संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे क्या? यदि संविधान और लोकतंत्र, लोकतंत्र का यदि बैकबोन संविधान है तो लोकतंत्र की आत्मा चुनाव है, और चुनाव प्रक्रिया करने वाली संस्था बहुत मानना रखता है उसको, लोकतंत्र की पवित्रता बनाने के लिए उसको पवित्र होना जरूरी है। और यदि वो अपवित्र है, यदि वो बायस्ड है, किसी एक पार्टी के लिए काम कर रहा है, फिर लोकतंत्र बेनामी है। मैं अभी भी कर रहा हूं, आप भी फील्ड में थे, मैं भी फील्ड में हूं, मैं आप उत्तर प्रदेश पूरा घूम के आए, मैं पूरा करीब करीब कई राज्य मैंने कवर किए। एक बात मैंने देखी कि इस बार भयानक जनता के बीच में अनरेस्ट है, क्रोध है, उसके बावजूद यदि सीटें बढ़ती है तो फिर क्या चुनाव आयोग ने ये 10-10% कैसे बढ़ा दिए भाई? हमारे चंद्रपुर में 10% बढ़ा है वोट, पहले फेज का चुनाव था वो, पहले फेज के चुनाव के बाद जो प्रोविजन फिगर आए और जो फाइनल फिगर आए उसमें 10% का बढ़ोतरी है। तो क्या वहां पे इतना भारी जनसमर्थन कांग्रेस के उम्मीदवार, जो वहां दिवंगत उम्मीदवार बाळू धानोरकर की पत्नी वहां से खड़ी थी, वो पहले भी एमएलए रह चुकी है, वहां के एमएलए है अभी, और वो सांसद का चुनाव लड़ रही है, तो क्या आप ये मानते हैं कि पूरा जनसमर्थन साथ में होने के बाद यदि वो चुनाव हारती है तो ये 10% का खेल है? चुनाव आयोग यही नहीं बता पाता कि 10% क्यों बढ़े, सारा झगड़ा इस पे हो गया कि जल्दी क्यों नहीं करे आपने। मेरा कहना क्या, उसमें 2 पॉइंट्स है, एक आपने लेट किया, 12 दिन आपने लेट किया, और इतना गैप कैसा, 1-1, 2-2%, 3%, 2.5% तक मैं मानता हूं, कहीं 8%, कहीं 6%, कहीं 10%, ऐसा कैसा वोटिंग बढ़ गया रात को? 17 सीट का कोई वैलिडिटी नहीं रही। तो क्या ये कोई खेल हो रहा है? और खेल से भी ज्यादा, आज हम 21वीं सदी में, आज हम हमारे यहां किसी भी देश में ह्यूमन वैल्यू बहुत बड़ी चीज होती है, कोई कुत्ते बिल्ली नहीं है कि कितने भी मर जाए, एक एक इंसान की मृत्यु बहुत, इसका जीवन इंपॉर्टेंट है, और 12 लोग मर गए एक दिन में, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है सिर्फ मिर्जापुर में। कुछ लोग एडमिट हो गए होंगे कहीं, उनकी रिपोर्ट नहीं आई होगी अभी। दो एडमिट हैं। बताइए,
मैं ये मानता हूं कि चलो गाड़ी जा रही थी, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, लेकिन गर्मी पड़ती है आपको पता है, सामने से ट्रेन आ गई और आप रेलवे लाइन पे खड़े हो, आपको मालूम है गर्मी पड़ने वाली है, आपके पास रिपोर्ट्स है सारी, इसके बाद आपने इतना स्ट्रेच किया उसको सातवें चरण तक। क्या इस देश में एट अ टाइम 200 सीटों पे चुनाव नहीं करवा सकता चुनाव आयोग? इतना कमजोर हो गया, 57 सीटों पे करना पड़ रहा है भाऊ। एक एक बात, अब जब यहां तक आए, इन पर केस परिवार जन किसी के करें, हम तो अपील भी कर रहे हैं, करना चाहिए बिल्कुल, लेकिन ये जो इनके एक्सक्यूजेज हैं, ये मोदी के 10 साल पर कलंक नहीं है 10 साल के शासन पर, कि आप डिजिटल इंडिया बना दिए, आपने आर्मी को, आपने पुलिस को, आपने तंत्र को, सिस्टम को, सब कुछ दुरुस्त कर दिया, पूरे देश में सब कुछ दुरुस्त, ऑल इज वेल, ओके, और फिर आपको चुनाव करवाने में वक्त ज्यादा लगता है, जबकि मोदी जी ने इतना दुरुस्त पूरे सिस्टम को कर दिया, ऑयलिंग ग्रीसिंग पूरा का पूरा सर्विसिंग कर दिया, ओवरहॉलिंग कर दिया, तो वक्त कम लगता, 40 दिन में निपटता, जो आपने कहा 200 सीट पे निपटता। ये तो मोदी, ये कितना विरोधाभास है कि एक तरफ मोदी जी विश्वगुरु बना रहे हैं, वर्ल्ड सुपर पावर बना रहे हैं, और ये सुडान बना रहे हैं राजीव कुमार, मोदी का सुपर पावर से ये सुडान बना दिए। देखिए, जब 700 किसान मरने पे मोदी जी ये कह सकते हैं कि मेरे लिए मरे क्या, तो कल कोई यदि पूछे तो बोले मेरे लिए थोड़ी मरे, ड्यूटी पे आए थे मर गए, मानो कीड़े मकोड़े हो। आप वहां ध्यान करने गए, आपको पता है 3 दिन से सारे टूरिस्ट एक्टिविटी बंद है वहां, एक दिन पहले से जो मेमोरियल रॉक फेसिंग होटल के रूम है वो खाली करवा गए, जो रिपोर्ट्स आई है वहां से, फिशिंग एक्टिविटी बंद है, बोट्स उस साइड पे नहीं जा रही है, सब बोट किनारे पे लगा के रखी है। क्योंकि साहब स्वयं भगवान के अवतार उस रॉक पे मेडिटेशन कर रहे हैं। ये क्या है, ये कहां जा रहे हैं? मात्र एक एक 57 सीट के वोटिंग के लिए, 1 तारीख को दिखना चाहिए, 1 तारीख को वो, जब आपका प्रचार खत्म हो गया तो प्रचार का नया तरीका। सही मायने में तो ये चुनाव आयोग और सभी आयुक्तों को कमरे में बैठने के बजाय बूथ पे रहना चाहिए दिन भर। मैं अपील करता हूं तीनों को भी, अभी भी जाए चौपर, अभी भी टाइम है, 4 घंटे का टाइम है, जाके जरा बूथ पे रहे 2 घंटे तो पता पड़े गर्मी किसको कहते हैं, पीने का पानी नहीं। ये यकीनन ये अनह्यूमन है। इस पर मतलब मैं तो कोई बड़ा आईपीएस ऑफिसर जाएगा तो ही खबर बनेगी क्या? वो होमगार्ड की कोई औकात नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं वो, किसान आत्महत्या करता कोई फर्क नहीं पड़ता इनपे, किसान मर जाते कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, अपने चुनाव जीतने के लिए सैनिकों की शहादत भी करवा दे कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, चुनाव की प्रक्रिया लंबी अपने लिए चाहिए इसलिए लंबी करवा दो, गर्मी में लोग मरते मरने दो इनको फर्क नहीं पड़ता, तो किस मिट्टी के बने हैं? सिर्फ 56 इंच का सीना है, अंदर दिल नहीं है क्या? उसी के लिए शायद साधना कर रहे हैं कि दिल भी आ जाए। खैर, चर्चा को यही है, अब देखते हैं उन जवानों का, हालांकि उनके घर में विपत्ति है, इससे बड़ा संकट कुछ नहीं होता है जब परिवार का एक कमाने वाला है मुखिया वो चला जाए, वो भी अपने अपने घर के जिम्मेदार व्यक्ति रहे होंगे, अपने परिवार को चला रहे होंगे, उनके प्रति संवेदना है, लेकिन राजीव कुमार जैसे चुनावी अभियान का कमान संभालने वाले आयुक्तों पर इनको अंजाम तक पहुंचाने के लिए कार्रवाई तो होनी चाहिए। देखते हैं इन परिवारों से कोई आगे आता है या कोई एक्टिविस्ट।
नहीं 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 तुरंत न्यायपालिका, नहीं न्यायपालिका तुरंत कह देगी आपने क्यों कर दिया, आप आपका क्या, आप कहाँ पार्टी बन गए, आपको पीड़ित होना चाहिए, न्यायपालिका परिवार से कुछ होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय में कम से कम चुनाव आयोग इस बात को ले लेगा कि यदि कोई ऐसे लोग मरते तो भाई हत्या का मुकदमा भी चल सकता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसके पहले भी चुनाव आयोग पे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, ये चेन्नई के कोर्ट की टिप्पणी थी कोविड के समय जब चुनाव करवाए गए थे। तब सर्वोच्च न्यायालय में गया था कि साहब हमारी ये टिप्पणी माइनस कर दो, तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया, बोले टिप्पणी को हम नहीं कैंसिल करवा सकते। हाँ टिप्पणी जरूर ज्यादा हार्ड हो गई, लेकिन सिचुएशन भी ऐसी थी, वो भी इंसान है। तो आज 12 लोगों की हत्या हुई है, हत्या हुई है 12 लोगों की, और हत्यारा एसी में बैठ के शेर शायरी कर रहा है, उसको न्यायपालिका को इसका संज्ञान देना पाए चाहिए, पूछना चाहिए क्यों मरता, पूछना चाहिए। लेकिन न्यायपालिका शायद उसकी भी जुबान से सवाल अब बंद हो गए हैं या होते जा रहे हैं। सवाल तमाम अधिवक्ताओं ने, पूर्व जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब ने भी उठाया है, लेकिन सवाल सुनने वाला कौन है? क्योंकि भाव ने कहा आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं? कोई कहता है सुपर पावर बनने जा रहे हैं, कोई कहता है दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सर्कस हमारे देश में बंद हो गए। पहले सर्कस हुआ करते थे, बच्चे हम लोग भी जाते थे सर्कस देखने, हम सर्कस सुपर पावर नहीं, हम अमानवीय होते जा रहे हैं। सर्कस हमारे सत्ताधीश, हमारे सत्ताधीश अमानवीय होते जा रहे हैं, अनह्यूमन होते जा रहे हैं। मानवी की, मानवीय जीवन की कोई मूल्य नहीं है। कीड़े मकोड़े समझते हैं ये मतदाताओं को, इस देश की जनता को कीड़े मकोड़े समझते सत्ताधीश, ये है सीधा सीधा। इसीलिए मैंने सर्कस इसीलिए कहा चलते चलते सर्कस, क्योंकि सर्कस हम लोग देखने जाते थे तो हमारा मनोरंजन होता था, लेकिन जब बाद में सर्कस के भीतर की जिंदगी को हमने समझा तो वो पूरा रिंग मास्टर के इशारे पर चलता है। वहां सबका दमन है, सबका उत्पीड़न है, वहां पर जानवर से लेकर इंसान तक सब के सब मजबूर होते हैं। वो जो रस्सी पर चलती लड़की दिखती है, एक रस्सी से दूसरी रस्सी पर जंप करती लड़की दिखती है, वो भी मजबूर होती है। वो तोता जो छोटा सा होता है साइकिल चलाने वाला, उस तोते से लेकर के, और जो शेर दिखता है आपको पिंजरे में, जोकर तक, और शेर जोकर, सब मजबूर होते हैं, हंस रहे होते हैं लेकिन दिल रो रहा होता। ऐसी स्थिति आने ना पाए, हम करीब हैं उसके लेकिन आने ना पाए कि हम लोकतंत्र और संविधान पर झूठी हंसी हंसे और भीतर से सिर्फ आंसू हो, सिर्फ पीड़ा हो। वक्त कम है, काम ज्यादा है, मतदान कीजिए जम करके, इंतजार कीजिए 4 जून का, वो भी देखते हैं क्या होगा। खैर इस दौर में चलते चलते एक बात मैं कह दूं, तमाम प्लेटफॉर्म और उन प्लेटफॉर्म पर आने वाले तमाम लोग, बिना नाम लिए मैं आज अभी भाव से भी इस विषय नहीं बात किया था, लेकिन मैं कहूंगा एक चर्चा है 4 जून को लेकर के, कि 4 जून को नतीजा अगर कुछ ऐसा आ गया, मोदी जी फिर आ गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सवाल होंगे, सवाल ही आज भी हो रहे हैं, सवाल ही तब भी होंगे। आज भी किसी का एजेंडा नहीं है, तब भी किसी का एजेंडा नहीं होगा। आज भी यहां पर जहां भाव बैठे हैं, जहां मैं बैठा हूं, आज भी किसी का पैसा नहीं है, तब भी किसी का पैसा नहीं होगा। इतना ही दावा कर सकते हैं, इतना ही वादा कर सकते हैं। सरकार कोई भी आए, सरकार कोई भी आए, चाहे मोदी जी आए, मोदी जी की जगह कोई आए, या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बने, हमारी पोजीशन वही होगी, सवाल उठाते रहेंगे, जनताओं की पीड़ा को शब्द देते रहेंगे। ये न्यूज लॉन्चर का वादा, यही वादा। इस वादे को निभाने के लिए कई बार हम लोग कहते हैं कोई भी कीमत चुकानी पड़ेगी, कभी पीछे नहीं हटेंगे, इतना यकीन रखिए। इजाजत दीजिए, देखते रहिए न्यूज लॉन्चर, अपना प्यार भरोसा बनाए रखिए। नमस्कार।